नमस्कार, स्वागत है आपका आज़ाद सिपाही में। हमारे साथ मौजूद हैं भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही। मॉब लिंचिंग पर बिल पास हुआ है सभा में, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार ने आनन फानन में इस एक्ट को लाया और कानून में आज बदलवाने का काम किया है, बहुमत का दुरुपयोग किया है। हम लोगों का कहना था कि इस कानून को प्रवर्ग समिति को भेजा जाए और प्रवर्ग समिति में जो हम लोगों का संशोधन है उस संशोधन पर विचार किया जाए और विचारोपरांत यह कानून बनने का काम करे। लेकिन इतनी जल्दबाजी में, आनन फानन में इस कानून को ला करके बनाया गया। एक तरफ से सरकार के नज़र से देखिए तो ये तुष्टिकरण की राजनीति उन्होंने करने का काम किया है। इसमें इतनी खामियाँ हैं कि इस कानून में कभी किसी को भी राजनीतिक हथकंडा का शिकार बना करके जेल में डाला जा सकता है, चाहे वो राजनीतिक संबद्धता प्राप्त का मामला हो, चाहे वर्ग संबद्धता प्राप्त का मामला हो। किसी को भी उठा करके जेल में डालने का काम ये सरकार कर सकता है, किसी को भी उठा सकता है, संदेह के आधार पर भी उठा सकता है। तो इसका दुरुपयोग होगा ऐसा हम लोगों को उम्मीद है, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि ये कानून को अभी रोकना चाहिए, प्रवर्ग समिति से जाँच कराना चाहिए। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल को शीतकालीन सत्र में अब भाग नहीं लेने दिया जाएगा, अध्यक्ष ने उन्हें निष्कासित किया है डिसिप्लिनरी एक्ट में, क्या कहें? ये निश्चित तौर पर एक तरह से दबंगई है या पावर का दुरुपयोग है। मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जब चौथा विधानसभा चल रहा था उस दरमियान स्पीकर प्रोफेसर दिनेश उरांव जी के ऊपर स्प्रे फेंका गया, जूता फेंका गया, CNT SPT के मामले में उनको झंडा गिरा दिया गया हिंदुस्तान का, ये क्या नाम है, उनके ऊपर संविधान का किताब फाड़ करके फेंका गया। उस समय कहाँ थे ये लोग? आज वही लोग रूल में बैठे हुए हैं, वो अपने सीट पर खड़ा होकर के कागज फाड़ रहे हैं तो आप उसको निलंबित कर दे रहे हैं। ये दिखाना है, ये दादागिरी करना है। निश्चित तौर पर आने वाला समय में प्रदेश की जनता इसको देख रही है और इनका जवाब इनको जनता देगी। सत्ता पक्ष के विधायक हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सदन की कार्यवाही चलना तो दूर, जन मुद्दों की चर्चा तक नहीं होने देता, हंगामा करता रहता है, सदन ठीक से नहीं चल पाता। हम लोग को 5 लाख जनता जो चुन करके भेजा है विपक्ष को, तो घास छिलने के लिए भेजा है का? जो विषय प्रदेश का ज्वलंत है उसको हम लोग सदन में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और हम लोग जब सदन में रख रहे हैं तो चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं? आप उस पर चर्चा कराइए। पंचायत चुनाव का विषय हम लोगों ने रखा, JPSC का विषय हम लोगों ने रखा, हम लोगों ने जो आपने भाषा के आधार पर प्रदेश को बांटने का काम किया है उसको रखा। कितने ज्वलंत विषय पर आप देख रहे होंगे प्रतिदिन 8 से 10 कार्यस्थगन हम लोग ला रहे हैं, सरकार क्यों नहीं चर्चा करा रही? क्यों आप भाग रहे हैं? भाग तो आप रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आपने सस्पेंड कर दिया और विपक्ष पर आप तोहमत लगाते हैं। तो आप कम से कम दूसरे पर तोहमत लगाने से पहले एक बार शीशा के सामने खड़ा होकर के अपना चेहरा देखने का काम इस सरकार को करना चाहिए। आज़ाद सिपाही के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। सहयोगी सूरज के साथ मनीष सिंह, आज़ाद सिपाही, रांची।